हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता, 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हुए संक्रमण मुक्त। जी हाँ दोस्तों, इस वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश को बड़ी सफलता मिली है। देश के 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस महामारी से मुक्त हो गए हैं। इस लिस्ट में नया नाम त्रिपुरा का जुड़ गया है। हालांकि देश में इस महामारी के संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 26,917 हो गई है। इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 1826 हो गई है। इस महामारी से मुक्त होने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप हैं। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब इस बीमारी से संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में कोई बाजार या शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा, लेकिन मोहल्ले की जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में इस महामारी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह हफ्ता पिछले हफ्ते से थोड़ा बेहतर था। कम केस सामने आए, कम मौतें हुई, काफी लोग ठीक हुए, इसलिए दिल्ली सरकार कुछ रियायत दे रही है। केंद्र सरकार ने कुछ दुकानें खोलने का आदेश दिया था, उस आदेश का पालन दिल्ली सरकार करेगी। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें तो खुलेंगी ही, लेकिन कोई मार्केट, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। हालांकि रेजिडेंशियल एरिया में जो दुकानें होती हैं, उनको खोलने की इजाजत केंद्र ने दी है और केंद्र के आदेश अनुसार ही दिल्ली में जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी, लेकिन कोई मार्केट, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में भेजे 1,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े 15.31 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपए की धनराशि प्रति श्रमिक की दर से उनके बैंक अकाउंट में भेज दी है। कुल रूपए 153.15 करोड़ रूपए राशि बैंक खातों में भेज दी गयी है। वहीं प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रति श्रमिक दे रही है। अब तक 7.19 लाख श्रमिकों को 71.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले निराश्रित व्यक्तियों को भी 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति का भुगतान करने का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 5.28 लाख व्यक्तियों को 52.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में खाने पीने के सामान की कमी न हो और श्रमिकों को काम भी मिल सके, इसके लिए 927 फ्लोर मिल, 428 तेल मिल और 271 दाल मिलों में काम शुरू किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगी मुफ्त में दाल। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 20 करोड़ राशन कार्ड धारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। सरकार ने शनिवार को कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मीलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले हफ्ते तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीने के लिए दाल वितरण करने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीने के लिए वितरित कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, करीब एक महीना भर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 3 महीने के लिए 1-1 किलो दाल मुफ्त वितरण करने की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वेतन भत्तों में कटौती को लेकर बढ़ते विरोध के चलते केंद्र सरकार पर इस कदम को वापस लेने का दबाव। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी की लड़ाई के नाम पर केंद्रीय कर्मियों के वेतन भत्तों में भारी कटौती करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस लड़ाई में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी कूद गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्वाइंट कंसल्टेंट मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज
कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन, भारतीय मजदूर संघ, साझा मुलाजिम मंच पंजाब और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी सरकार का विरोध किया है। और आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठनों के साथ साथ एक सर्विसेस मैन एसोसिएशन भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रही है। इस बढ़ते दबाव में हो सकता है कि सरकार इस फैसले को वापस ले ले या इसमें संशोधन कर दे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय इस बाबत जल्द ही नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के संक्रमण का पता चलते ही चोरी छिपे दवा का पेटेंट हासिल करने में लगा था चीन। जी हां दोस्तों, चीन ने इस महामारी के फैलते ही उसकी दवा को लेकर पेटेंट हासिल करने के दस्तावेज दाखिल कर दिए थे। बताया जा रहा है कि चीन को जैसे ही यह जानकारी मिली कि इस महामारी का ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में हो रहा है, तो चीन ने इस संक्रमण के इलाज में कारगर दवा का पेटेंट हासिल करने के लिए आवेदन दाखिल कर दिए थे। चीन के वुहान में सबसे पहले इस महामारी का संक्रमण फैला था। शुरुआत से ही चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस महामारी की जानकारी को छिपाता रहा है। दवा के पेटेंट हासिल करने की जानकारी सामने आने के बाद चीन पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन को इस वायरस के खतरनाक होने की भली भांति जानकारी थी, लेकिन वो उसकी सच्चाई दुनिया को बताने की बजाय चोरी छिपे इसकी दवा का पेटेंट हासिल करने में लगा रहा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में महाराष्ट्र में फंसे उड़िया मजदूरों को भेजने के लिए नवीन पटनायक ने उद्धव ठाकरे से की अपील। जी हां दोस्तों, देश में जारी लॉकडाउन के बीच उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बातचीत में नवीन पटनायक ने इस महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच ठाकरे से महाराष्ट्र में फंसे उड़ीसा के लोगों को सुरक्षित अपने घर भेजने की गुजारिश की है। इस बैठक में उद्धव ठाकरे और पटनायक के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, जो मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए और अपने घरों से दूर है, तो क्या केंद्र सरकार को उनके अपने घर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन का वुहान शहर हुआ इस संक्रमण से फ्री, आखिरी मरीज को मिली अस्पताल से छुट्टी। जी हां दोस्तों, चीन के जिस शहर से इस महामारी का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला, वो अब इस महामारी से मुक्त हो गया है। चीनी शहर वुहान में अब इस संक्रमण से संक्रमित एक भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। वुहान में संक्रमित 12 आखिरी मरीजों को रविवार को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद वुहान शहर को इस संक्रमण से मुक्त करार दे दिया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बाद इस दिन से उड़ान भरेंगी प्राइवेट एयरलाइंस। जी हां दोस्तों, प्राइवेट विमान कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू रूट्स के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इन कंपनियों की वेबसाइट से ये जानकारी मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शनिवार से स्पाइसजेट और गो एयर ने बुकिंग शुरू कर दी है। ये दोनों कंपनियां 16 मई से उड़ान भर सकती है। इंडिगो और विस्तारा एयरलाइंस 1 जून से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। हालांकि सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनी एयर इंडिया ने बुकिंग स्टार्ट करने के बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। करीब एक सप्ताह पहले ही नागर विमानन मंत्रालय ने इन कंपनियों द्वारा बुकिंग रीस्टार्ट करने पर रोक लगा दिया था। इन कंपनियों से कहा गया था कि केंद्र सरकार के अगले आदेश तक वो किसी भी रूट्स के लिए कोई बुकिंग ना करे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान, लागू हो सकते हैं 5 नए नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया। इसका सीधा मकसद रेल मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाजा न लगाएं और न ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाएं। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र की हरी झंडी के बाद चलाएगा। केंद्र भी इस मामले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। इस बीच जिस तरह से संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, उसे साफ है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वो इस संक्रमण के डर के साये में होगा। इसलिए रेलवे में अभी अलग जोन और डिवीजन के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स।
दिल्ली NCR में छाए बादल, जानिए अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम में बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली NCR में इस समय मौसम काफी सुहावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम का मिजाज रविवार को फिर बदल गया। इसके अलावा गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिली है। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली NCR में अगले 2 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान जता चुका है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा और दिल्ली में भी छिटपुट जगहों पर वर्षा और आंधी के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तर व पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों तक इसी तरह दिल्ली NCR के क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। के बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज के डीजल और पेट्रोल के दामों का। दोस्तों, देश में जारी लॉकडाउन के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की खपत में काफी कमी आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और ये पिछले कुछ दिनों से अपने पूर्ववर्ती दाम पर ही बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 69.59 रुपए है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 62.29 रुपए है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब बार बार आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने से मिलेगा छुटकारा, आया नया नियम। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराते थक गए हैं? अगर हाँ तो बहुत जल्द ही आपको इस झंझट से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि ये निजात कुछ जगहों के लिए ही होगी। इंश्योरेंस और सुरक्षा एजेंसी स्टॉक मार्केट भी KYC के लिए आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं मांगेगा, बल्कि UIDAI की आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल करेगी। यानी अब आपके वेरिफिकेशन के लिए आधार की फोटो कॉपी नहीं बल्कि केवल नंबर देना होगा, ताकि जांच एजेंसी खुद ही UIDAI से करवा लेगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह इजाजत दी है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। गठबंधन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, नेतन्याहू से पद छोड़ने की मांग। जी हाँ दोस्तों, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू और उसके विपक्षी नेता गांस में गठबंधन सरकार बनाने को लेकर पिछले हफ्ते हुए समझौते के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि इस समझौते से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में बने रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि गठबंधन सरकार को लेकर बनी सहमति लोकतंत्र को कुचलने वाली है। गठबंधन सरकार में नेतन्याहू सत्ता में बने रहेंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति में दखल दे सकेंगे। इसके चलते न्यायाधीश अधिकारी नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोपों से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के आरोप हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रकार के सभी आरोपों से इनकार किया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब इस स्मार्टफोन के यूजर्स को भी मिली खास सुविधा, बिना नेटवर्क किसी को भी करें वीडियो कॉल और वॉइस कॉल। जी हाँ दोस्तों, भारत में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी हुआवे ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके जरिए नेटवर्क के मुद्दों को लेकर यूजर्स का कम्युनिकेशन घर या वर्क प्लेस पर बाधित नहीं होगा। यूजर वाईफाई सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन पर कनेक्शन उपलब्ध होने पर वाईफाई कॉलिंग सर्विस का इस्तेमाल कर वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करने में सक्षम रहेंगे। खास बात यह है कि सेलुलर नेटवर्क की अनुपलब्धता और एयरप्लेन मोड में भी यूजर्स वाईफाई कॉल कर पाएंगे। भारत में हुआ वे कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप के प्रवक्ता ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि जब भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, हुआवे एक ग्लोबल लीडर बनकर सामने आता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।